दक्षिणपंथी हिंदू नेता कमलेश तिवारी हत्या मामलार पर्दाफाश कर दावी कर उत्तर प्रदेश पुलिस तिवारी को हत्या पर सूरत तीन जन को गिरफ्तार आउ दुई जन को उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार कर 2015 रे एक आपत्तिजनक मंतव्य कमलेश को हत्या कर पुलिस कही कमलेश पुओ किंतु हत्या घटनार एनआईए जांच दावी कर मात्र 24 घंटा मध्यरे दक्षिणपंथी नेता कमलेश तिवारी हत्या मामलार पर्दाफाश कर दावी कर उत्तर प्रदेश पुलिस तीन जन मामलें हाजत को नहीं पुलिस कमलेश तिवारी को हत्या करने सूरत में होता षड्यंत्र 2015 रे कमलेश देखा एक आपत्तिजनक मंतव्य जो हत्या पर षड्यंत्र पुलिस सूचना दी तिवारी हत्या संपृक्ति गुजरात आंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस सूरत रो तीन अभियुक्त को गिरफ्तार कर हम लोगों ने तीन व्यक्तियों को तीन अपराधियों को हिरासत में लिया है और उनसे बहुत ही सघन पूछताछ की जा रही है। जो तीन संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने हिरासत में लिया है और गुजरात में अभी वो पूछताछ के केंद्र बिंदु बने हुए हैं उनमें एक सीसीटीवी फुटेज को आधार करी एटीएस अधिकारी माने सूरत रु शुक्रवार राति रे मोहसिन शेख फैजन और रशीद अहमद को धरिथिले अहमदाबाद को अणा जाई समानन को गिरफ करा जायथिला समानन को यूपी पुलिस को हस्तांतर करा जिवो एने यूपी पुलिस दुई जन को गिरफ करी मामला रुजु करिछि सेमाना हेले उत्तर प्रदेश बिजनौर रो बासिंदा मोहम्मद मुफ्ती नईम काजमी और इमाम मौलाना कमलेश तिवारी स्त्री किरण अभियोग भित्तिर पुलिस से गिरफ्तार कर गुजरात रे रशीद ही हत्याकांडर मास्टरमाइंड बोली कहिछि पुलिस। हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष थे से कमलेश तिवारी कल लखनऊ में उनकी हत्या हुई है। हत्यारे ऐसे लगता था कि पहले से ही उनके संपर्क में थे। गिरफ अभियुक्तों को कौन से आतंकवादी संगठन सह संपर्क नथिबा कहिछि पुलिस कमलेश तिवारी को सुरक्षा नहीं कौन से त्रुटि नथिला बोली दावी करिछि पुलिस। शुक्रवार लखनऊ नाका अंचल 43 वर्षीय कमलेश तिवारी को हत्या करा जायथिला तांको गुली करा जिबा सह गला भी काटि दे जायथिला हॉस्पिटल नेबा बाटरे ही तांकर मृत्यु होइथिला। हत्यार जांच पई एक स्पेशल टास्क फोर्स गठन करा जायथिला कमलेश तिवारी हिंदू समाज पार्टी सभापति थिले। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।